आई थिंक हम लोगों ने पहले चंद्रनंदिनी साथ में किया, तो वहाँ पर लाइक आई गॉट टू नो सिद्धार्थ. तो उस टाइम से हमारी स्क्रीन पे जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी लगी ऑडियंस को, तो इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं आज अलादीन एंड यास्मीन साथ में. ओके, अलादीन और यास्मीन की कहानी बहुत पहले से चली आ रही है, तो आप लोगों ने अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की और मतलब डायरेक्टर की तरफ से क्या ब्रीफ था और थोड़ा सा अगर उस बारे में? हमारी वर्कशॉप चली फॉर वन वीक. हम लोग ने अपने कैरेक्टर पे काम किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप सबने मुझे ऐसा इंटेंस में ही देखा होगा ज़्यादातर, एंग्री यंग मैन ऐसा करके, बट ये थोड़ा अलग कैरेक्टर है मेरे लिए भी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको पोर्ट्रेट करने में. तो हम दोनों की वर्कशॉप चली दो महीने लाइक टू मंथ्स के लिए, नॉट टू मंथ्स सॉरी टू वीक के लिए. दिस इज आवर बॉन्डिंग कन्फ्यूज. सो टू वीक हमारी वर्कशॉप चली थी और जब मुझे अलादीन के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम ऑफर आया तो मुझे लगा कि अलादीन इज़ जस्ट लाइक मी, खेलता कूदता मस्ती करता हुआ, तो मुझे ये कैरेक्टर का सोचना नहीं पड़ा. सो आई जस्ट से यस. आपने भी कनेक्ट किया अपने आप से यास्मीन? आई प्लेड अ प्रिंसेस बिफोर दिस, जैसे आप लोग जानते चलते हैं, तो वहाँ पर लाइक प्रिंसेस का थोड़ा डिफरेंट था, बट यहाँ पर शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस. तो यास्मीन के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए आई हैव टू डू मेनी थिंग्स, लाइक ऑब्वियसली लाइक स्टार्टेड वर्कशॉप्स हुई, हमें अपनी एक्सेंट्स पे यू नो थोड़ा ध्यान देना पड़ा, उर्दू इसमें हम लोग थोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए करना पड़ा, मेरी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर, हॉर्स राइडिंग, आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई लर्न ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ यास्मीन. सो नाउ दिस कैरेक्टर इज मेड और एक एक इंसान की बहुत मेहनत से ये एक कैरेक्टर बना है. अच्छा, अगर आप लोगों के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनी है आपने, तो ऑन सेट मतलब कितना मुश्किल होता था, अगर उस बारे में कुछ बताएं? हम लोगों ने जब लुक टेस्ट किया था आई रिमेम्बर, तो वहाँ पे क्रिएटिव चैनल सब लोग थे, सो वहाँ पर मेरी ज्वेलरी देख के देवर लाइक कि यास्मीन विल यू बी एबल टू डू एक्शन, क्योंकि मुझे बहुत स्टंट्स, तलवारबाजी, बहुत कुछ करना है इस ज्वेलरी में, तो कभी कभी लग भी जाता है, बट एक्चुअली आई वुड से आई एम यूज्ड टू इट नाउ, सो अभी लगता नहीं कुछ पहना है मैंने, इतना यूज्ड हो गया. मेरी कॉस्ट्यूम का लुक देख सकते हैं, अच्छी है, सिंपल है और मुझे एक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बेसिकली जितने भी एक्शंस हो रहे हैं मैं खुद से ही कर रहा हूँ, मेरे को फिर डबल यूज़ होता नहीं है. और जो मेरे एक्शन मास्टर हैं वो आते हैं सेट पर, बोलते हैं कि सिद्धार्थ तू कोरियोग्राफ कर ले, मैं हूँ. जितने भी एक्शन सीक्वेंस होते हैं, और मैं जैकी सर का बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके एक्शन का, उसको पता है सेट में मैं ऐसे करता रहता हूँ तुरंत. तो जो मेरी फ़ाइट जो सीरियल में जो फ़ाइट दिखाई गई है हमारी, वो और सीरियल से कहा जाए तो अलग है, क्योंकि बहुत ही इसमें एक्रोबैट्स है. इवन क्योंकि अलादीन तलवार वगैरह नहीं चलाता, वो वेपन्स को ज़्यादा यू नो वो नहीं करता, ये वेपन्स से मारे, किसी को मारता नहीं, किसी को चोट नहीं पहुँचाता, तो वो कैसा है कि वो हमेशा वो डिफेंस में ही रहता है और वो फ्लिप करके बचता है. जैसे जैकी चैन की आपने मूवीज़ देखी होगी, कैसे मूवी में हंसते खेलते मस्ती करते हुए कॉमेडी करते हुए एक्शन करते हैं, तो अलादीन का भी वैसे ही कुछ, तो आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा. इसके अलावा अगर हम यास्मीन की बात करें, तो यास्मीन कैसी है, और जैसे आपने कहा कि किरदार को लेकर बहुत प्रिपरेशन थी, स्क्वाड भी चलाई, बॉस भी चलाया, तो मतलब ऑन सेट कुछ चोट लगी थी, और यास्मीन कैसी है? यास्मीन बगदाद की शहजादी है और वो चाहती है कि आगे जाके उसके पापा के बाद यू नो वो थ्रोन ले एंड शी बिकम द सुल्ताना, लाइक फर्स्ट सुल्ताना एवर, सो शी वांट्स टू बिकम दैट. एंड शी रियली टेक्स केयर ऑफ द पीपल किंगडम में, जितने भी लोग हैं उनका बहुत ध्यान रखती है, उनके लिए लड़ती है, उनके राइट्स के लिए लड़ती है यास्मीन. और एक ये नॉर्मल सी गर्ली प्रिंसेस का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है, यू विल सी सो मेनी शेड्स ऑफ दिस कैरेक्टर, शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस, शी वांट्स टू गुड फॉर द पीपल. सो ये नई स्टोरी एक नई तरीके से कनेक्ट करने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, ये इस कैरेक्टर को अभी भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. द बेस्ट पार्ट कि आप सब ने अलादीन और यास्मीन को देखा होगा एज अ कार्टून, तो उनकी बॉन्डिंग दिखाया होगा, बट इसमें हमारी जो शुरुआत है बॉन्डिंग की वो बहुत ही अलग है, जब आप शो देखेंगे ना तो यू विल गेट टू नो इट. इसके अलावा बहुत सारे ऐसी हमारे देश में महिलाएं आई, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो ऐसी कोई महिला है जिससे आप इंस्पायर हुई स्पेशली इस किरदार के लिए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए या फिर आपने कुछ फिल्म्स देखी हो अगर कुछ शेयर करें आप? आई थिंक एवरी वुमेन इज़ पावरफुल, फॉर मी ऐसे कोई किसी को आप नेम नहीं दे सकते. आई थिंक एवरी वुमेन इज़ पावरफुल व्हेन शी बिकम्स अ मदर, एवरी लाइक एवरी कॉमन गर्ल. सो मैंने हर एक कैरेक्टर से, हर एक इंसान से इंस्पिरेशन लेके कैरेक्टर बनाया. सिद्धार्थ, हमने स्टेज पर देखा थोड़ा सा शाहरुख खान की भी झलक आ रही थी आप में, और टाइगर श्रॉफ की तरह आप स्टंट भी कर रहे थे, कुछ इंस्पिरेशन है आपका अगर? शाहरुख सर तो मेरे फेवरेट हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ
बॉलीवुड में हमारी कंट्री को जाके प्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और जब अलादीन के कैरेक्टर में पता चला कि उनके जैसे लाइन है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो वो शाहरुख सर की लाइन है, जैसे कि हमारी एक लाइन की टैग लाइन है, तो मैं कोई भी शायरी बोलता तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, चीज़ लाइक ये कौन सा गाना है तो लेकिन बनेगा भी ऐसा करके हमारी टैग लाइन, जब शो देखेंगे तो यू विल आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग शो है। और शाहरुख सर की लाइंस हैं तो ऑलरेडी ये शो हिट होगा, क्योंकि शाहरुख सर तो एक ही इज़ द स्टार, लाइक सुपर स्टार। एंड टाइगर श्रॉफ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग ने एक साथ स्क्रीन भी शेयर किया है मुन्ना माइकल ने, और वो बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बीइंग अ सुपर स्टार ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, और इसलिए मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। राइट, तो आखिर में जाते जाते कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे यास्मीन को अलादीन शाहरुख खान की स्टाइल में? अगर शाहरुख सर की डायलॉग है, स्टाइल तो अलादीन की है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये कौन सा है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। ओके, कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे फैंस? हम दोनों अपने फैंस को यही कहना चाहेंगे कि वी आर बैक, वी आर बैक टुगेदर ऑन स्क्रीन वंस अगेन फॉर यू गाइस, सो प्लीज जितना हो सके उतना प्यार, उतना यू नो ब्लेसिंग दीजिए, प्रे करिए और शो को नंबर 1। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much.